हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू येट अनदर एपिसोड ऑफ सफरनामा विद सुमनला। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के साथ एक ऐसा टिप शेयर करूंगा जिससे आप बिना शूट किए, यानी कि बिना कैमरा का इस्तेमाल किए फिल्म बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये एपिसोड। सबसे पहले मैं दिखाना चाहूंगा आप लोगों को ये छोटा सा क्लिप, लेकिन उससे पहले ये याद दिला दूं कि इस चैनल पे आप हर हफ्ते देख सकते हैं कॉमेडी स्केचेस, टॉक्स, इंटरव्यूज भी मैं अब शुरू कर रहा हूं, और इस तरह के फिल्म मेकिंग और फोटोग्राफी रिलेटेड बहुत सारे टिप्स। तो दोस्तों, सोच क्या रहे हैं, नीचे जो सब्सक्राइब है, लाल बटन जहां पे सब्सक्राइब लिखा हुआ है वो दबाइए अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और बगल में जो बेल आइकन है, जो घंटी है, उसको जरूर दबाइएगा। उसको दबाते ही क्या होगा कि आपको जब भी मैं नया वीडियो डालूंगा तो आपके फोन पे नोटिफिकेशन आ जाएगा और पता चल जाएगा कि मैंने नया वीडियो डाला है। तो दोस्तों, पहले देखिए ये क्लिप। अभी जो आपने वीडियो क्लिप देखा वो एक प्रोमो वीडियो का शुरुआत है। कोलकाता बेस्ड एक फाउंडेशन है दोस्तों, द छोटा मोटा फाउंडेशन करके, उनका मुझे कॉल आया। मैं उनके साथ बहुत टाइम से जुड़ा हुआ हूँ, उन्होंने मेरी बहुत मदद की है। तो उनका मुझे कॉल आया, उन्होंने कहा कि सुमनला, क्या आप हमारे लिए एक छोटा सा प्रोमो वीडियो बना सकते हैं जो हम एक फेस्टिवल में अभी दिखाना चाहते हैं। अब इससे पहले जब मैं दिल्ली में था तो मैं 5-6 सालों से मैं इस तरह की बहुत सारी फिल्में बना चुका हूँ, प्रॉपरली खुद जाके शूट करके, उनके प्रोडक्ट्स को शूट करके, कंपनियों के, ऑर्गेनाइजेशंस के, अलग अलग टाइप के क्लाइंट्स के, खुद शूट करके, प्रॉपरली प्रोफेशनली एडिट करके, और उसके लिए हमें अच्छे पैसे मिलते थे। अच्छे पैसे मिलते थे मतलब ऐसी फिल्म बनवाने के लिए अच्छा खर्चा होता है। लेकिन अब मैं हूँ लद्दाख में, मुझे कॉल आ रहा है कोलकाता से। अब मैं यहाँ से कोलकाता जाऊंगा, फ्लाइट में जाऊंगा, शूट करूंगा, एक तो टाइम बहुत लगेगा और खर्चा बहुत सारा हो जाएगा। पर एक तरीका है जिससे हम बिना पैसे खर्च किए और बिना शूट किए एक प्रमोशनल फिल्म बना सकते हैं, और वो तरीका है दोस्तों, स्टॉक फुटेजेस। स्टॉक फुटेजेस यानी कि ऐसे बहुत सारे वेबसाइट्स हैं जिससे आप फोटोज, वीडियोज, साउंड इफेक्ट्स, म्यूजिक और बहुत सारे एलिमेंट्स जो वीडियो में काम आते हैं वो आप डाउनलोड कर सकते हैं और अपने प्रोजेक्ट में यूज कर सकते हैं। जैसे कि shutterstock.com है, motionarray.com है, वीडियो ब्लॉग्स करके बहुत सारे समंदर है दोस्तों ऐसे वेबसाइट्स का जिससे आप स्टॉक फुटेजेस डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन एक प्रॉब्लम है कि उसमें आपको पैसे देने पड़ते हैं, या तो आपको हर एक फुटेज का पैसा देना पड़ता है या फिर आपको साल भर का या महीने भर का सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है। पर इंटरनेट एज की खूबी देखिए दोस्तों, ऐसे वेबसाइट्स भी आजकल आ गए हैं जिससे आप स्टॉक फुटेजेस फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। फ्री में डाउनलोड करने के बाद आप अपने किसी भी तरह के प्रोजेक्ट में यूज भी कर सकते हैं और उससे आप कॉमर्शियली फायदा भी उठा सकते हैं, मतलब आपको कॉमर्शियल लाइसेंस फ्री में मिल रहा है। ऐसे दो वेबसाइट्स हैं जिससे मैंने ये फुटेजेस डाउनलोड किए, pixabay.com और pexels.com। नीचे लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उस पर जाके आप चेक कर सकते हैं। दोस्तों, आपको एक फिल्म मेकर होने की जरूरत नहीं है ऐसे वेबसाइट से फायदा उठाने की। इनफैक्ट आप मान लो आपको अपनी दुकान के लिए एक प्रोमो वीडियो बनवाना है या बनाना है और आप एक फिल्म मेकर को हायर करने की अभी आपकी हालत नहीं है, आप अफोर्ड नहीं कर सकते हो, तो आपके लिए और काम की चीज है। अगर आप फिल्म मेकर नहीं है तो और काम की चीज है, क्योंकि आपको फिल्म मेकर्स का शूट किया हुआ प्रोफेशनल वीडियोज, जैसे आपने अभी देखे वैसे वीडियोज, फ्री में डाउनलोड करके अपने प्रोजेक्ट के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए, pixabay.com पे जाइए, कोई भी सूटेबल वीडियो डाउनलोड कीजिए, अपने फोन पे किसी भी एडिटिंग ऐप से आप उस पर टेक्स्ट डाल के, कलर चेंज करके, कुछ भी करके एक वीडियो तैयार करके शेयर कीजिए।
कितनी खूबसूरत बात है दोस्तों, आज के जमाने में जहां हर एक छोटी सी चीज के लिए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, ये राइट्स, वो लाइसेंस, पता नहीं क्या क्या, उन चक्करों में लोग इतने पैसे कमाते हैं, लोग केसेस कर देते हैं एक दूसरे के ऊपर, ऐसे वक्त में ऐसे वेबसाइट है जहां से आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, आप चाहें तो वीडियोस बना के अपलोड भी कर सकते हैं ताकि बाकी लोगों को वो वीडियो डाउनलोड करके अपने प्रोजेक्ट में यूज करने का मौका मिले। पर शायद कुछ क्वालिटी चेक कुछ होता होगा, रिव्यू करते होंगे ये लोग, मुझे पता नहीं है, मैंने अभी तक अपलोड किया नहीं है, मैं जरूर करूंगा, आप लोग भी कीजिए। तो दोस्तों आज के एपिसोड में बस इतना ही, उम्मीद है आप लोगों को एक नई चीज सीखने को मिली होगी। मिलते हैं अगली बार, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।